हाल ही में मालदीव के नेताओं ने पीएम नरेंद्र मोदी पर विवादित कमेंट्स किए, जिसके बाद से ही बॉयकॉट मालदीव ट्रेंड कर रहा है। इतना ही नहीं, हजारों भारतीयों ने मालदीव जाने का अपना प्लान भी कैंसिल कर दिया है। आपको बता दें, भारत से बड़ी संख्या में लोग मालदीव घूमने के लिए जाते हैं, लेकिन पीएम मोदी पर किए गए विवादित कमेंट्स के बाद भारतीयों ने अपना इरादा बदल दिया है और बॉयकॉट मालदीव्स की राह पर निकल गए हैं। ऐसे में अब मालदीव के टूरिज्म को बड़ा झटका लगा है। इस बीच अब इज माय ट्रिप ट्रैवल कंपनी ने मालदीव के लिए सभी फ्लाइट बुकिंग को भी सस्पेंड कर दिया है। ट्रैवल कंपनी के सीईओ और को फाउंडर निशांत पट्टी ने एक्स पर यह जानकारी दी है। पीएम मोदी पर विवादित टिप्पणी करने को लेकर मालदीव की चारों ओर आलोचना हो रही है, जिसके बाद मालदीव सरकार ने विवादित टिप्पणी करने वाले तीनों मंत्रियों के खिलाफ एक्शन लिया है। मालदीव सरकार ने मंत्री मरियम शिउना, मालशा शरीफ और महमूद माजिद को सस्पेंड कर दिया है। वहीं अब इस मामले में मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोहली ने एक्स पर एक पोस्ट शेयर कर लिखा, मैं सोशल मीडिया पर मालदीव सरकार के अधिकारियों द्वारा भारत के खिलाफ घृणास्पद भाषा के इस्तेमाल की निंदा करता हूं। भारत हमेशा मालदीव का एक अच्छा दोस्त रहा है और हमें इस तरह की कठोर टिप्पणियों को हमारे दोनों देशों के बीच सदियों पुरानी दोस्ती पर नकारात्मक प्रभाव डालने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। जानकारी के लिए आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ दिन पहले लक्षद्वीप के दौरे पर गए थे, जहां उन्होंने अंडरवाटर डाइविंग की और बीच पर समय भी बिताया। इसके बाद एक सोशल मीडिया यूजर ने प्रधानमंत्री का एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा था, यह अच्छा कदम है, ये मालदीव की सरकार के लिए झटका है जो चीन की कठपुतली है। इसके बाद लक्षद्वीप में टूरिज्म बढ़ेगा। इस पोस्ट पर मालदीव के नेता ने लिखा, बेशक ये अच्छा कदम है, लेकिन भारत कभी हमारी बराबरी नहीं कर सकता। मालदीव टूरिस्ट को जो सर्विस देता है वो भारत कैसे देगा? वो इतनी सफाई कैसे रख पाएगा? उनके कमरों में भी बदबू आती है, जो टूरिस्ट की बड़ी दिक्कत है। वहीं मालदीव की नेता मरियम शिउना ने पीएम नरेंद्र मोदी को जोकर भी कहा। इस तरह के विवादित कमेंट्स के बाद से ही भारत में बॉयकॉट मालदीव ट्रेंड कर रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पर आपकी क्या राय है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसी तरह की खबरों के लिए देखते रहें सहारा समय डिजिटल।